साय ने आज से जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम हाउस में जन दर्शन में प्रदेश भर के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें सुना और आश्वासन भी दिया, निराकरण का आश्वासन दिया। जन दर्शन में एक महिला ने कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए मदद मांगी, इस पर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश की गई है। पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जन दर्शन के जरिए लोगों से मिलते थे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों को टोकन दिया जाएगा और आवेदनों को दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जन दर्शन कार्यक्रम चलेगा। लोगों को अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर मुख्यमंत्री के नाम लेकर आवेदन करना होगा और सीएम हाउस पहुंचना होगा। जन दर्शन है और आज के इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण दयानंद जी, राहुल भगत जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ और पूरे प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने और मीडिया के मित्रों, आप सभी का इस पहला जन दर्शन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जनदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में लोगों की समस्याएं कम हैं, विधायकों की शिकायतें और समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, सरकार इसे लेकर जनदर्शन लगाए। मुख्यमंत्री जी ने जनदर्शन लगाने का निर्णय लिया, जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि इस जनदर्शन में जनता की समस्या कम और विधायकों की लूट खसोट की समस्याएं ज़्यादा आ रही है, और सिर्फ विधायक ही नहीं, सरकार की नुमाइंदे जितने भी पूरे प्रदेश में हैं सबकी लूट और भ्रष्टाचार की शिकायतें ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये जनदर्शन लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस जनदर्शन से साफ साफ है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम संभावित नामों की लिस्ट लेकर जाएंगे, जहां नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। कल दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। कुल 5 दिन का यह सत्र चलेगा और इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सदन में सरकार भी तैयार है। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा, जो 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। मॉनसून सत्र से पहले 28 जून को विधानसभा में विभिन्न समितियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्री विधायक शामिल होंगे और इस बैठक में विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देने की रणनीति बनेगी। विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और सरकार का दायित्व बनता है कि जनहित में काम करना, और सरकार काम कर रही है। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और अभी भी जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर हम करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैंने पहले कहा कि विशेष अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी सरकार से 6 महीने के कामकाज का हिसाब मांगेंगे। इसके लिए सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। मंत्रियों को घेरने के लिए प्रश्न लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
सत्र में कांग्रेस पार्टी हमारे तमाम विधायकों ने बेहतर तैयारियां शुरू की है। हर मुद्दे पे प्रश्न लगेंगे और सरकार को पूरी तरह से जनता के हितों को लेकर मुद्दे उठेंगे और सरकार को पूरी तरह से इस समय इस साय सरकार को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी। 27 जुलाई तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, लेकिन 17 से पहले जिस तरह की राजनीति हो रही है, इससे यही कहा जा सकता है कि साय सरकार का पहला मॉनसून सत्र हंगामेदार होने की पूरी पूरी संभावना है। देश भर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जीतोड़ कोशिशें हो रही हैं, पर जमीनी हकीकत है क्या? बलौदाबाजार के कसडोल में प्राथमिक शाला के हाल बेहाल हैं। आपको बता दें, स्कूल की छत नहीं होने से इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सामने बड़ी समस्या है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि साल भर पहले स्कूल की छत को मरम्मत के नाम पर ठेकेदार ने तोड़ दिया, और तो और छत को तोड़ने के बाद उसे वैसा ही छोड़ दिया। अब आलम यह है कि स्कूल के 2 कमरों में ही कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से कंगना रनौत ने मुलाकात की, संसद भवन में मुलाकात हुई, दोनों सांसदों ने एक दूसरे को बधाई दी है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। बस्तर में मानसून की दस्तक के साथ ही जमकर बदरा बरसे हैं। झमाझम बारिश होने से जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं किसानों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिनभर की धूप के बाद शाम को बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली, साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली है। और अब टॉप 20।